नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में भागवत कथा के समापन पर परीक्षित मोक्ष और सुदामा चरित्र की कथा को सुनाया। सांची ग्राम उमरखोई में श्रीमद् भागवत कथा के सातवें दिन आचार्य कथा व्यास पंडित नीलेश कृष्ण शास्त्री द्वारा श्री कृष्ण सुदामा व परीक्षित मोक्ष कथा का प्रसंग सुनाया। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन श्रीमद् भागवत का रसपान पाने के लिए भक्तों का सैलाब कथा स्थल पर उमड़ पड़ा। कथावाचक पंडित शास्त्री महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का समापन करते हुए कई कथाओं का भक्तों को श्रवण करवाया, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण के 16,108 शादियों के प्रसंग के साथ सुदामा प्रसंग और परीक्षित मोक्ष की कथाएं सुनाई। उन्होंने बताया, सुदामा जी के पास कृष्ण नाम का धन था। संसार की दृष्टि में गरीब तो थे, लेकिन दरिद्र नहीं थे। अपने जीवन में किसी से कुछ मांगा नहीं। पत्नी सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने गए। भगवान के पास जाकर भी कुछ नहीं मांगा। भगवान अपने स्तर से सब कुछ दे देते हैं। सुदामा चरित्र के माध्यम से भक्तों के सामने दोस्ती की मिसाल पेश की और समाज में समानता का संदेश दिया। इसके उपरांत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में बताया। कथा समापन के दौरान पंडित नीलेश कृष्ण शास्त्री महाराज ने भक्तों को भागवत को अपने जीवन में उतारने की बात कही, जिससे सभी लोग धर्म की ओर अग्रसर हो। साथ ही भक्तों को बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिनों तक श्रवण करने से जीव का उद्धार हो जाता है, तो वही इसे करवाने वाले भी पुण्य के भागी होते हैं। तथा लोधी परिवार के तत्वावधान में उमरखोए में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सत्संग के समापन पर रविवार को कथास्थल पर हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने पहले हवन यज्ञ में आहुति डाली और फिर भोजन प्रसाद ग्रहण कर पुण्य कमाया। कथा व्यास आचार्य नीलेश कृष्ण शास्त्री ने 7 दिन तक चली कथा में भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई। उन्होंने लोगों से भक्ति मार्ग से जुड़ने और सत्कर्म करने को कहा। पंडित शास्त्री ने कहा कि हवन यज्ञ से वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। व्यक्ति में धार्मिक आस्था जागृत होती है। दुर्गुणों की बजाय सद्गुणों के द्वार खुलते हैं। यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि भागवत कथा के श्रवण से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। श्रीमद् भागवत से जीव में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप पुण्य में बदल जाते हैं। विचारों में बदलाव होने पर व्यक्ति के आचरण में भी स्वयं बदलाव हो जाता है। कथावाचक ने भंडारे के प्रसाद का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि प्रसाद 3 अक्षर से मिलकर बना है। पहला प्रकार प्रभु, दूसरा स का अर्थ साक्षात व तीसरा द का अर्थ होता है दर्शन, जिसे हम सब प्रसाद कहते हैं। हर कथा या अनुष्ठान का तत्वसार होता है, जो मन बुद्धि व चित्त को निर्मल कर देता है। मनुष्य शरीर भी भगवान का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ प्रसाद है। जीवन में प्रसाद का अपमान करने से भगवान का ही अपमान होता है। भगवान का लगाए गए भोग का बचा हुआ शेष भाग मनुष्यों के लिए प्रसाद बन जाता है। इस अवसर पर सुंदर भजन की प्रस्तुति दी गई। तथा वाचक शास्त्री द्वारा, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, और भजन जैसे मुझे रास आ गया है। तेरे दर पर झुकाना मुझे मिल गया, पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना, और मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाए एक बार, और अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, आदि भजनों की प्रस्तुति दी। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? अच्छा, ये कौन सा गांव है अपना? उमरखोए। यहाँ पे जो संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है ना, इसको अपने वीर सिंह भैया करवा रहे हैं ना? हाँ, वीर सिंह लोधी। अच्छा, ये कथा का 7 बजे ने आपके लिए कैसा लगा कथा में आके? बहुत अच्छा लगा है। आज जब से हवन हुआ है तब से थोड़ा लग रहा है कि हाँ अब कथा समाप्त हो जाएगी, तो थोड़ा बुरा लग रहा है। अच्छा, लेकिन 7 दिन बहुत आनंद आया। 7 दिन और कथा करवाना चाहो गुरुदेव की आप यहाँ पे? हाँ, और कथा करवाना चाहेंगे अगर भविष्य में कभी हम हमारी ही गुंजाइश हुई करवाने की या कुछ, तो अभी ऐसा कह नहीं रहे, संकल्प नहीं ले रहे, लेकिन हाँ गुरुजी से और कथा सुनना चाहेंगे। अच्छा, अच्छी कथा की गुरुजी ने? हाँ, बहुत अच्छी थी। संगीत में तो संगीतकार जो है उनने भी बहुत अच्छे से किया सब कुछ। यहाँ पे ये उमरखो में कथा हो रही है जी, इसके बारे में आप कुछ बताइए जी। ये 10 तारीख से कथा चालू हुई है, आज 16 तारीख को इसका ग्राम दिवस है। ये ग्राम उमरखो में जो आयोजन में कथा चल रही है, श्रीमद् भागवत कथा पंडित नीलेश कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में श्रीमद् भागवत कथा। जैसे कि आज कथा का 7वां दिन है, तो 7वें दिन कौन सी कथा हो रही है? ये सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र और साथ में और होली होली का।
आज समापन हो रहा है इसका भंडारे के साथ, है ना जी। चलो ठीक है।